मुल्क में बिजली की जनरेशन और ट्रांसमिशन का निज़ाम बहाल। कराची को नेशनल ग्रिड से दी जाने वाली बिजली भी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। पावर डिवीजन का दावा, कराची, लाहौर, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बिजली का बहरान बरकरार। कई घंटे बत्ती गुल, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। अवाम पर एक और बोझ, बिजली मजीद 19 पैसे फी यूनिट महंगी। फैसले का इतलाक सिर्फ अक्टूबर के बिलों पर होगा। नेप्रा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कराची वालों के लिए एक माह के लिए बिजली 4.89 रुपये फी यूनिट सस्ती। कीवीज के देश में शाहीनों की ऊंची उड़ान, पाकिस्तान ने 3 मुल्की T20 सीरीज जीत ली। फाइनल में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से शिकस्त। ग्रीन शर्ट से 164 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद नवाज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मोहम्मद नवाज का जारहाना खेल, कीवी बॉलर्स बेबस। हैदर अली की दबंग इनिंग, 15 गेंदों पर 31 रन। मोहम्मद नवाज के नाकाबले शिकस्त 38 रन। ऑल राउंडर अपनी कारकर्दगी पर खुश, T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुर उम्मीद। मिडिल ऑर्डर बैचेस ने जिम्मेदारी ली और टीम को फतह दिलाई। वर्ल्ड कप से पहले सीरीज जीतने से टीम को एतमाद मिलेगा। नवाज और हैदर ने शानदार बैटिंग की। कप्तान बाबर आजम खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी से मुतमईन। वज़ीर आज़म की अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस 2 घंटे बाद। शहबाज शरीफ मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू, सीका कॉन्फ्रेंस और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मुबैना ऑडियो लीक्स और अपने केसेस से बरियत से मुतालिक भी बात करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर ही होंगे, इलेक्शन कमीशन का फैसला। कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बली के 3 हल्कों में पोलिंग 16 अक्टूबर को ही होगी। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम का फैसला। इजलास में खुफिया इदारे की रिपोर्ट का जायजा। ज़िमनी इलेक्शन का मार्का, इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। इतवार को वोटिंग, कौमी असम्बली के 8 और पंजाब के 3 हलकों में जोर का जोर। कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर इमरान खान उम्मीदवार। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ज़िमनी इंतखाब फैसला करेगा हकीकी तौर पर आजाद होना है या गुलामी ही करनी है। 16 अक्टूबर को फतह के दिन में बदलना है। ओवरसीज पाकिस्तानी तमाम हलकों में अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को वोट डालने के लिए मुतहर्रिक करें, इमरान खान। तहरीक इंसाफ आज कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। शाह फैसल कॉलोनी के पंजाब ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान और दीगर PTI रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। अपने केसेस खत्म और गरीब भी खत्म। इस वक्त बिजली गायब, गैस गायब, ज़र मुबादला के ज़खायर कम और कारोबार ठप है। मुल्क कमीशन खोरों की मंडी बन चुका, चोर चोर बैनुल अक्वामी नारा बन गया। शेख रशीद की तनकीद। सेनेट में PTI अरकान का एहतजाज, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। आजम सवाती की रिहाई के लिए ऐवान वाला में नारेबाजी। पार्लियामेंट में इस वक्त उल्टी गंगा बह रही है। बड़े बड़े चोर जेलों से निकलकर हुक्मरानी कर रहे हैं। हुकूमत कब तक ईवानों से भागेगी, शहजाद वसीम की तनकीद। आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरख्वास्त सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा। साबिक वजीर रेलवे को FIA ने गिरफ्तार किया। पीर को होने वाले इजलास के लिए आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं, दरख्वास्त में मौके। दहशतगर्दी के मुकदमात, मियां जावेद लतीफ़ की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। विफाक की वजीर को 10-10 हज़ार रुपये के मचल के जमा करवाने का हुक्म।
ब्रॉडशीट इंक्वायरी केस में अहम पेशरफ, साबिक चेयरमैन नैब नवीद अहसन की एफआईए में तलबी, लीगल कंसल्टेंट नैब अहमद बिलाल सूफी को भी तलबी का नोटिस, पेश न होने पर कार्रवाई का इंदिया। डॉलर फिर तगड़ा होने लगा, अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद 62 पैसे इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपए पर ट्रेड, ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 224 रुपए पर पहुंच गया। वॉशिंगटन में इसाक डार और आईएमएफ की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात, वजीर खजाना ने सैलाब के बायस गैर मामूली नुकसान से आगाह किया, आईएमएफ की मुस्तकबिल में तावुन की यकीन दहानी, इसाक डार के सदर आलमी बैंक से भी मुलाकात, इक्तसादी तरक्की में मुसलसल तावुन पर इजहार तशक्कुर। आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात 27 नवंबर को होंगे, कागजात नामजदगी 14 से 21 अक्टूबर तक जमा हो सकेंगे, उम्मीदवारों की फहरिस्त 22 अक्टूबर को जारी होगी, शेड्यूल जारी। नेशनल हॉस्पिटल मुल्तान की छत पर लावारिस लाशों को फेंकने का वाकया, वजीर आला पंजाब का नोटिस, तहकीकात का हुक्म, लाशों की बेहुरमती का वाकया नाकाबले बर्दाश्त है, इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करके जिम्मेदारों का तायुन किया जाए, परवेज इलाही। कराची के सदर में क्लिनिक पर फायरिंग करने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद, फायरिंग से चीनी बाशिंदा हलाक और दो शहरी जख्मी हुए थे, कानून नाफिज करने वाले इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डेंगी बेकाबू, कराची में मजीद 3 अफराद जान बहक, सिंध में अमवात की तादाद 49 हो गई, 24 घंटे के दौरान 381 केसेस रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में भी एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया, सूबे में 398 नए केसेस सामने आ गए, पंजाब में भी मजीद 302 अफराद डेंगू का शिकार। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां, जहां भाग अफराद की तादाद 779 हो गई, सूबे में 1,21,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासर, 18,00,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान, 37,00,000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर खड़ी फसलें तबाह, सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज फैलने से मुश्किलात में इजाफा। बरतानिया का सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 10 मिलियन पाउंड इमदाद का ऐलान, बरतानवी इमदाद 26.5 बिलियन तक जा पहुंची, इमदाद से मुतासरीन के घरों की तामीर, पानी, इलाज, सफाई के सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, बरतानवी हाई कमीशन। अमेरिका में भी गोलियों की तड़तड़ाहट, शुमाली कैरोलिना में फायरिंग, पुलिस अफसर समेत 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी, पुलिस ने हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया, तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मशरकी इलाकों में तूफानी बारिशों से तबाही, दरिया बिफर गए, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं, खराब सूरत हाल के बाइस हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फ्लोरेंस टेनिस टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले जारी, कैनेडियन खिलाड़ी आगर एलिस ने बेल्जियम हरीफ ऑस्कर ओट को शिकस्त दे दी। फन लहराते नागराज पानी में वाटर स्नेक, रिंग रिंग कर चलता पाइथन, इस्लामाबाद के यू पार्क की सांप नगरी में अलग ही दुनिया आबाद, इंसान और सांपों की परवान चढ़ती दोस्ती की कहानी, दुनिया न्यूज की जबानी।